ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू इक्विटीज़ सो चार्जेस फी मोर लेस सेम है uh, यहाँ पे इक्विटी uh, मार्केट्स में जैसा आपका रेगुलर ब्रोकरेजेस लगता है देन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फी लगता है सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फ़ीस प्लस इक्विटी में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है यहाँ पर सिमिलर कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा एंड मतलब रेट ऑफ जिस टैक्स ऑल्सो सेम एक्चुअली थाउजेंड रुपीज़ अ करोर

राइट right? आप जब डिलीवरी ले लेंगे सो आप फॉर एग्जांपल गोल्ड का डिलीवरी लेते हैं सो okay. एंड so, आप इसको होल्ड करते हैं मे बी साल भर के लिए दो साल के लिए जब भी आप इक्विटीज में आप इक्विटी कैश मार्केट में डिलीवरी लेते हैं एक साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो जाता है बट इन गोल्ड थ्री ईयर्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस गोल्ड इज इन अ सिमिलर ब्रैकेट विथ रियल इस्टेट जब आपका रियल एस्टेट का रिटर्न्स जो है कैपिटल गेंस सिमिलरली गोल्ड का जो कैपिटल गेंस है अन If you sell gold less than three years, it is short-term capital gains. More than three years, it is long-term capital gains. Baki every other commodity, it is a business income. It is not a uh, capital gain. Okay, so that is including uh, the uh, grains and all of that you mentioned. Everything. Whatever you are derivative trading, everything is considered as business income. Okay. There is also something which is very important when it comes to commodity trading is taxation. सो हाउ डन कम सो अगेन ये जो कमोडि डरिवेटिव ट्रांजेक्शन के ऊपर आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आपका बिजनेस इनकम में आएगा सो so, आप अगर आप आप बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस इनकम में ऐड हो जाएगा और उसका आपका जो बिजनेस इनकम का जो रेट है वो वो अपलाई हो जाएगा इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल देन आपका स्पेक्यूलेटिव इनकम में आ जाएगा एंड स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का जो आ, आ, जो टैक्सेशन है वो अप्लाई होता है कि जहाँ पे आपका लॉसेस है वो अगेन सिमिलर टू इक्विटी में जो आपका डेरिवेटिव लॉसेस है वैसा ही एग्जैक्टली exactly ट्रीट हो जाता है सो ओनली थिंग इज कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं स्पेशली तीन साल के ऊपर डिलीवरी होल्ड करते हैं तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अप्लीकेबल होता है तब तक बाकी सब इफ़ यू आर आ बिजनेस इट विल बी बिजनेस इनकम इफ यू आर एन इंडिविजुअल इट विल बी speculative income okay. in today's episode we learn all about the charges and the taxation related to commodity trading but commodity trading se phele, is very important and in the next episode we're going to just learn all about it so do not forget to share and like our video and for more such updates search motilal oswal investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing